आफ्टरनून गाइज, जो हम चैप्टर फोर कर रहे थे उसके लास्ट पोर्शन के अंदर आ चुके हैं हम, जो 62 से 67 तक है। कोई खास नहीं है इसके अंदर, बेरेक की लैंग्वेज अपने लिए काफ़ी रहेगी। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल है। इफेक्ट ऑफ, देखो पहले नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से 62 में क्या क्या है भाई? अगर कॉन्टैक्ट नया बना लिया या उसको ख़त्म कर दिया, विखंडन कर दिया उसका, या उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो नया बना लिया इसमें तो ख़त्म ही हो गया, या चेंज कर दिया तो नया कॉन्टैक्ट बन गया। तो नया कॉन्टैक्ट बनने के बाद में जो ओरिजिनल कॉन्टैक्ट था आपका, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ए ने बी से कहा कि उसे 100 बैग्स चाहिए, ठीक है, बाद में दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो गया कि नहीं भाई आप क्वांटिटी बढ़ गई तो उसे 200 चाहिए, 200, देन ये वाला कैंसिल हो गया, ये अल्टर हो गया, तो ये वाला फॉलो करना होगा, जस्ट सिंपल। सेकंड, प्रॉमिस में डिस्पेंस विथ और लिमिट परफॉर्मेंस और प्रॉमिस, प्रॉमिस ही क्या करता है कि या तो उसको छोड़ देता है या उसको करने के लिए छूट दे देता है। उस केस में जैसे कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट हुआ, ए ये कहता है कि आपको 8 घंटे सिंगिंग करनी है, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट होता है 8 आवर्स सिंगिंग का, कि उसे 8 घंटे अपने बार में चाहिए। बाद में ए देखता है कि 8 घंटे ठीक नहीं है, चलो मैं इसको, कॉन्टैक्ट 8 घंटे का है माइंड इट, बट वो उसे 4 घंटे में बोल देता है कि ठीक है आप 4 घंटे छोड़ दो, तो उसने अपना आधा पार्ट यानी कि मेरी मिट, या तो उसको पूरा छोड़ दिया, उसको कम करते पूरा पार्ट छोड़ सकता है, या आधा पार्ट जिसमें उसने 2-4 घंटे कम कर दिए, या इसको बढ़ा भी सकता है, ठीक है, यानी कि उसमें चेंज कर सकता है। कॉन्सिक्वेंस जो डिसीजन ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, भाई जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें वॉइड कराने के लिए हमें कोर्ट के अंदर जाना होता है, कोर्ट ही उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करेगा। जब तक कोर्ट वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करता है तब तक वो वैलिड रहते हैं। मतलब कोर्ट में हमें ये प्रूव करना होगा कि सेक्शन 14 फ्री कंसेंट नहीं है, 15 आपका फिर 16 17 फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारे चीज़ें आ गई ना जो मैंने आपको बताया था, CUFMM, कोरोशन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ये मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक्स, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 तक, ठीक है। तो अगर आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म कर दिया, तो आपने जो बेनिफिट लिए हैं या वो वापस ले सकते हो, आपसे जो बेनिफिट लिए या प्रोमिसर ने, प्रोमिसर से आपने जो बेनिफिट लिए वो आपको रिटर्न करने होंगे। सेम यही है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो बेनिफिट है वो रिस्टोर होंगे या आपको कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाद में, या आपका वॉइड एग्रीमेंट है, आपने एडवांटेज ले लिए कि कॉन्ट्रैक्ट वही था, कोई भी इलीगल पर्पज था, तो आपको वो रिटर्न करने होंगे, रिस्टोर करना होगा या उसको कंपनसेट करना होगा। 66 क्या कहता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन और रिवोकिंग, ये सेम रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकिंग का होता है, जो कम्युनिकेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, जो अफोर्ड करता है यानी कि इसमें जैसे प्रोमिसर ने उसको माफ़ी दे दिया, एक्सक्यूज कर दिया, तो एक्सक्यूज कर सकता है रीजनेबल पार्ट में, ठीक है।
अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, इसके अंदर चैप्टर 5 के अंदर बचा हुआ अपना सर्टन रिलेशन वो करते हैं, सेवन के बजाय पहले चैप्टर चेंज कर देते हैं इसको 4 से 68 से 72, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको। देखो गाइस, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो डायरेक्ट है उसका नाम लिख देता हूं मैं चैप्टर का, आप इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। ये हम इसको बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट की लैंग्वेज लिख देता हूँ ऑफ सर्टेन रिलेशन, रिजेंबलिंग। हम यहाँ फालतू की बात डिस्कस नहीं कर रहे, जो चीज़ें चल रही है वो पॉइंट टू पॉइंट चल रही है, ठीक है। आपको कोई थोड़ी सी दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है, देखो जो अपने सेक्शन 68 से 72 रहेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसको डायरेक्ट की बजाय डिटेल में करेंगे, इम्पोर्टेंट है प्रीकॉशनरी पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज इम्पोज बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट, सेकंड पॉइंट। इम्पोज बाय लॉ डज नॉट अराइज थ्रू एग्रीमेंट, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट, किसी के साथ अनजस्ट नहीं होना चाहिए, एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन, ये मैक्सिम नोट कर लेना, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन वहां पर कोई लॉ लागू है वो हमें फॉलो करना होगा, इम्पोज बाय लॉ,
कानून लागू है वहां पर, हालांकि वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, फिर भी वी हैव टू फॉलो। तो वहां पर जो एक आवासीय संविदा हो जाती है उसे हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और पॉइंट देखते हैं इसके, इट इज इम्पोज बाई लॉ, डज नॉट अराइज रिक्वायरमेंट, नो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड। देखो इसने ये क्यों लिख दिया भाई, नो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, मीन्स वे लॉ फॉलो करना है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने नहीं रखती। द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट द होल वर्ल्ड। ठीक है, नॉट वर्ल्ड वाइड, ये पॉइंट नोट कर लो, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने में हेल्प करेंगे। अब देखो सेक्शन है अपने पास 68, 69, 70, 71, 72। तो जो 71 तक है हम इसके टाइप में कवर कर देंगे इसको, ये नोट कर लीजिए। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज इम्पोज बाय लॉ, डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल प्रिवेंस ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, अनजस्ट नहीं होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तीसरा, नो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड, द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन और द होल वर्ल्ड। टाइम चेक कर लेते हैं काफी है, एक डायग्राम बनवा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। सॉरी गाइस, टाइपो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सारे सेक्शन एक डायग्राम में आ जाएंगे। पहला क्या लिखा था, क्लेम्स फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू ए पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको डाल देते हैं हम 68, सेक्शन 68 में यही बात की गई है। ठीक है, दूसरा डाल देते हैं पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, इसको डाल देते हैं सेक्शन 69। ठीक है, अब बेनिफिट ऑफ नॉन
ग्रेट वेयर्स नॉन डे टू डे एसेट्स, जो नॉन ग्रेट वेयर्स एक्ट है उसके जो आपने बेनिफिट ले लिए वो रोल बैक करने होंगे ना, 71 और बना देते हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन 71, 72 तक चलना है, एक सेक्शन और लिखना होगा, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोलिजन, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर ठीक है, इसको 72 डाल देते हैं। इनको डिटेल में अब हम पढ़ेंगे, चैप्टर 5 अपना कंप्लीट ठीक है। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइज टू ए पर्सन इन कॉम्पिटेंट टू ए टू द कॉन्ट्रैक्ट, देखो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके नेसेसिटीज के लिए अगर कॉन्टैक्ट किया गया है तो प्रोमिसर इंटाइटल है उसके उसकी प्रॉपर्टी से उसको अक्वायर करने के लिए ठीक है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन सम इंटरेस्ट इन पेमेंट, द पर्सन मेकिंग द पेमेंट मस्ट हैव सम इंटरेस्ट इन पेइंग द अमाउंट, द पर्सन में हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी ऑफ विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ एंड हु देयर ऑफ पे इट इट एंटाइटल टू रीइंबर्स। इसमें क्या है, आपने पेमेंट दे दी, अगर वो पेमेंट नहीं होती है, इंटरेस्टेड पर्सन है, आपने कॉन्टेक्ट किया, पेमेंट दे दी, लेकिन आपका किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाए तो आपको वो रीइंबर्समेंट के लिए पेमेंट देनी होगी। बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स पर्सन, नॉन ग्रेजुएट्स मतलब आपको फ्री में नहीं दिया गया है, जैसे किसी का पड़ोसी के कुरियर आ रहा है ठीक है, उसने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है, आपने मटेरियल रख लिया, तो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू पे द अमाउंट ठीक है। हालांकि वो आपने ऑर्डर नहीं किया था, आपको बाय मिस्टेक मिला, बट आपने उसको यूज किया, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको यूज किया, तो बेनिफिट आपने लिए रिटर्न करने होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर कोई किसी को कुछ मिल जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको ढूंढना, सारी चीज़ें पता करना, ये इसके अंदर आएगा। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिजन, डर के अंदर जो आपने पैसे दे दिए थे, कनपटी पे रिवॉल्वर लगा कर आपसे ले लिया आपसे, तो वापस तो आप पुलिस कंप्लेंट करके कुछ ना कुछ तो करोगे ना, दैट्स ये आपके टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, टाइम देख लेते हैं टाइम ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सेक्शन 68 क्या कह रहा है, क्लेम्स फॉर नेसेसरी जो सब नेसेसरी सप्लाई ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने माइनर के बेनिफिट के लिए, पर्सन हु इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इनकम्पिटेंट कौन हो होता है, अनसाउंड माइंड
याद रहे, आगे एजेंसी पढ़ेंगे। एजेंसी में जो एजेंट होता है वो अनसाउंड माइंड हो सकता है लेकिन कांटेक्ट में नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बेनिफिट के लिए आपने जो चीज़ें सप्लाई की है वो आपको रिटर्न करनी होंगी, यानी कि आप उसको, आप इंटाइटल हो माइनर की इनकम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी से लेने के लिए, बट वो नेसेसिटी होनी चाहिए, नेसेसरी सप्लाइड होनी चाहिए, ठीक है। फालतू की चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको बेवजह आपने आपने बाइक दिला दी, गाड़ी दिला दी, नॉट जस्ट लाइक दिस। जस्ट उसका एजुकेशन के लिए हो गया, या फिर उसके वेलफेयर के लिए हो गया, मेडिकल हो गया, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। 69 क्या बोलता है, पेमेंट बाय ए पर्सन हैविंग सम इंटरेस्ट। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या बोलती हैं, द पर्सन मेकिंग द पेमेंट मस्ट हैव सम इंटरेस्ट इन पेइंग द अमाउंट। जो अमाउंट पे कर रहा है उसका इंटरेस्ट होना जरूरी है, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, द पर्सन मेकिंग द ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी ऑफ विच अनदर इज बाउंड बाई लॉ टू पे। जिसने पैसे दिए हैं वो दूसरा भी बाउंड होना चाहिए पे करने के लिए, एंड हु देयर फोर पेड इट इंटाइटल टू बी रिमबर्स्ड बाई अदर कंडीशन। कौन कौन सी है, पेमेंट मस्ट नॉट बी बाउंड बाई लॉ टू पे द अमाउंट, यानी कि लॉ से लॉ अप्लाई होना चाहिए, अगेंस्ट लॉ नहीं होनी चाहिए। नॉट मस्ट नॉट बी बाउंड बाई लॉ, यानी कि पेमेंट वापिस कैसे लेगा, गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी, पेनल्टी वापिस थोड़ी मिलेगी, यानी कि नॉट बाउंड बाय लॉ, जो पेमेंट की है उसको वो वापिस ले सकता है, ठीक है। द अदर पर्सन फ्रॉम होम द मनी इज सॉट टू बी रिकवर्ड मस्ट बी लीगली बाउंड टू पे द मनी। जिससे आपको लेनी है पैसे वापस लेने हैं वो भी लीगली बाउंड होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्लेम फॉर एनी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर ए नॉन ग्रेटवियस एक्ट, जो मैंने अभी बताया था आपको। पेमेंट अंडर नॉन ग्रेटुएट ट्रस्ट एक्ट। नॉन ग्रेटुएट एक्ट यानी कि जो आपको सर्विस नहीं दी गई है उसका आपने बेनिफिट ले लिया तो यू हैव टू कंपनसेट। डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं, व्हेन ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवरिंग एनीथिंग टू हिम। हमने डिलीवर करवाया था कुरियर अभी, नॉट इंटेंडिंग टू डू ग्रेटवियसली, कि वो स्वेच्छा से नहीं कर रहा है। सच पर्सन हु इंजॉय द बेनिफिट मस्ट रिइम्बर्स द फॉर्मर फॉर रिस्टोर हिम द थिंग सो डिलीवर्ड। उसको रिइम्बर्स करना होगा, उसको हर्जाना देना होगा, उसको पेमेंट करनी होगी जो उसने यूज किया है, ठीक है। कंडीशन कौन कौन सी है, दी पर्सन मस्ट लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन बाय डिलीवरिंग समथिंग टू हिम। कुछ डिलीवरी करनी है, जैसे हमने कुरियर डिलीवर करवाया था। दी पर्सन डूइंग सम एक्ट और डिलीवरिंग समथिंग मस्ट नॉट इंटेंड टू एक्ट ग्रेटुइटसली, वो स्वेच्छा से नहीं किया गया होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपने किया होना चाहिए। दी अदर पर्सन मस्ट वॉइड एक्सेप्ट द एक्ट ऑफ गुड्स एंड ही मस्ट नॉट हैव इंजॉय देयर बेनिफिट, उसने बेनिफिट का इंजॉय किया गया हो। सिंपल सा कोई भी एग्जाम्पल ले लो कॉरियर का, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। 71 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स आपने आईपीसी में पढ़ा है, तो
इसके अंदर थोड़ा सा बेरेट की लैंग्वेज बता देता हूँ मैं। ए पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इन टू हिज कस्टडी इज लाइबल एज ए बेली। बेली, बेलर, बेली अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बेलमेंट, ये प्रोसेस बेलमेंट होता है। बेली की ड्यूटी होती है वही जिसको गुड्स मिलती है उसकी, भाई यानी कि सीधी सी बात है, वो अपने केयर में रखेगा। अगर उसका मेंटेन का खर्चा ज़्यादा है, ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, तो उसको सोल्ड करके जो मनी आएगी उसको रिटर्न करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें लागू होंगी। बेरेक्ट की लैंग्वेज कहती है कस्टडी इज लाइबल एज बेली, द फाइंडर ऑफ गुड मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ओनर। वो जो बेली है जिसको ये जो फाइंडर है वो मालिक को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है? मनी पेड बाई मिस्टेक और अंडर कोरिजन 72, भाई गलती से दे दिया, तो क्या ये पर्सन टू वो मनी हैज बीन पेड और एनी थिंग डिलीवर बाई मिस्टेक अंडर कोरिजन मस्ट रिपे टू रिटर्न। ए को, बी को 100 रुपये, 1,000 रुपये देने थे, गलती से सी को दे दिए, सी ने रख लिए, तो ये सी से वापस ले सकता है, बिल्कुल लेगा। ये अपना 72 बोलता है, ठीक है, मिलेंगे बाउंड टू री, ये बाउंड हो जाता है रिपे करने के लिए, ठीक है? मनी पेड अंडर मिस्टेक 72 हो गया। 71 था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है? 72 में आपका मनी पेड अंडर मिस्टेक, पहले मैंने डायग्राम बनवाया था, डायग्राम बना लीजिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्ट है अपना, उसके अंदर जो सेक्शन बच गए 75 से वो बाकी कल देखते हैं। डायरेक्ट में उठा के मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर रहेगा ना आपका, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन सी रेमेडीज रहेंगी, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, डायग्राम के थ्रू करेंगे इसको, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।